कम खेती और गाय भैंसों पर होने वाले ज़्यादा खर्चे के कारण किसान भाई बकरी पालन की ओर बढ़ रहे हैं। बकरी छोटा पशु होने के कारण उसके रखरखाव का खर्चा कम आता है, इनके खाने का इंतज़ाम आसानी से हो जाता है। आज हम ऐसे ही दो बकरियों की जानकारी लेने वाले हैं। उसमें से एक है जमुनापारी बकरी और दूसरी है बीटल बकरी। तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इस वीडियो को शुरुआत करती है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने राइजिंग यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले देख लेते हैं जमुनापारी और बीटल बकरी कहाँ पाई जाती है। जमुनापारी यह नस्ल मुख्यतः उत्तर प्रदेश में पाई जाती है और यह बकरी यमुना तथा चंबल नदियों के बीच के क्षेत्रों में पाई जाती है। उसी की तरह बीटल बकरी पंजाब तथा हरियाणा में पाई जाती है। पंजाब के सियालकोट, झेलम, मुरुदासपुर और अमृतसर में असली बीटल नस्ल पाई जाती है। ये तो हमें समझ में आ गया कि जमुनापारी और बीटल बकरी कहाँ पाई जाती है। इसके बाद हम इन दो नस्लों की पहचान कैसी करेंगे ये समझ लेते हैं। जमुनापारी बकरी का रंग आमतौर पर सफ़ेद या हल्के गहरे भूरे रंग के धब्बे गर्दन और चेहरे पर होते हैं और बीटल बकरी का रंग सफ़ेद धब्बों के साथ उनके शरीर का रंग का लाल सुनहरा भूरा होता है। जमुनापारी बकरी की कान लंबे होते हैं और उनके सिंग का आकार छोटा होता है। बीटल बकरी के कान लंबे और थोड़े चौड़े होते हैं और नीचे की तरफ लटके हुए होते हैं। इनका सिंग छोटा और पीछे की ओर मुड़े रहते हैं। बीटल बकरी देखने में जमुनापारी बकरी जैसी लगती है, परंतु ऊंचाई एवं वजन की तुलना में जमुनापारी बड़ी रहती है। अब बात करते हैं दूध और मांस के बारे में। जमुनापारी नस्ल की बकरी का दूध मेडिसिनल तौर पर भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनके दूध की कीमत अच्छी होती है। इस नस्ल की बकरी दूध भी ज़्यादा देती है। यह बकरी 2 से 3 किलो प्रतिदिन दूध देती है। बीटल बकरी के दूध में विटामिन और मिनरल्स की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इस नस्ल की बकरी 2 से 4 किलो प्रतिदिन दूध देती है। दूध के मामले में तो दोनों नस्लें अच्छी है। जमुनापारी और बीटल यह दोनों नस्लें मांस के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल में लाई जाती है। जमुनापारी बकरी का वजन 50 से 60 किलोग्राम होता है और नर का औसतन वजन 70 से 90 किलोग्राम होता है और बीटल बकरी का वजन 40 से 50 किलोग्राम होता है और नर का औसतन वजन 50 से 70 किलोग्राम। अब देखते हैं प्रजनन के बारे में कौन सी बकरी अच्छी रहेगी। यह दोनों बकरियों साल में एक बार ही बच्चा देती है। इन दोनों बकरियों के बच्चे का वजन 2 से 3 किलोग्राम होता है। जमुनापारी बकरी 100% सिंगल बच्चे को जन्म देती है और 30% जुड़वा बच्चों को जन्म देती है और बीटल बकरी 41% सिंगल बच्चों को जन्म देती है। 50% मामलों में जुड़वा होते हैं। 9% मामलों में 3 बच्चे भी होते हैं। प्रजनन क्षमता की बात करें तो बीटल बकरी बहुत अच्छी रहेगी। इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप कौन सी बकरी का चुनाव करेंगे, इससे हमें सबसे पहले ये समझना हमें ज़रूरी है कि हम बकरी पालन किस हेतु से कर रहे हैं। दूध के लिए हमें बकरी पालन करना है या मांस के लिए बकरी पालन करना है। अगर आप मांस के लिए बकरी पालन करना चाहते हैं तो आप जमुनापारी नस्ल के साथ जा सकते हैं। दूध के मामले में तो ये दोनों नस्लें अच्छी रहेगी। बीटल बकरी दूध ज़्यादा देती है और जमुनापारी बकरी के दूध में मेडिसिनल वैल्यू ज़्यादा रहती है। और प्रजनन की बात करें तो बीटल बकरी अच्छी रहेगी क्योंकि बीटल बकरी की प्रजनन क्षमता बहुत अच्छी है। तो आप अपने हिसाब से बकरी का चुनाव करेंगे। प्रजनन के लिए बीटल बकरी बहुत अच्छी है और मांस के लिए जमुनापारी ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो आप अपने हिसाब से बकरियों का चुनाव करें और अपना गोट फार्मिंग शुरू करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें एक कमेंट में ज़रूर लिखना और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।